हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन का अध्ययन करेंगे कि एडजेक्टिव और एडवर्ब की जो डिग्रियाँ होती हैं वो किस प्रकार चलती हैं तथा किस प्रकार से हम इनके द्वारा सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए सही बच्चे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इनके देखते हैं डिग्रियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो चर्च दे से आ जाएगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ की तुलना। एडजेक्टिव तीन डिग्री होती हैं। पॉजिटिव डिग्री यह अपनी मूल अवस्था में होती है तथा यह नाउन और प्रोनाउन के गुण या दोष प्रकट करती है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो राम का गुण क्या है कि यह एक अच्छा लड़का है, यानी गुड। यहाँ पे गुड क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है। इसके बाद होती है कंपैरेटिव डिग्री। इसका प्रयोग दो या दो से अधिक वस्तुओं या प्राणियों की तुलना के लिए होता है। प्राणियों की तुलना के लिए होता है, जो प्राणियों के गुण और दोष होते हैं उनकी तुलना के लिए होता है। देखिए आगे, देखिए एग्जांपल देखिए सही बच्चे। रुचि इज टॉलर देन रितु, तो इसमें तुलना हो रही है कि रुचि इज टॉलर देन रितु, रितु की अपेक्षा लंबी है, अर्थात रुचि रितु से लंबी है। इसके बाद एक सुपरलेटिव डिग्री, इसमें एक व्यक्ति या वस्तु को अलग अन्य सभी से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैसे अंबानी इज द रिचेस्ट बिजनेसमैन इन इंडिया। अंबानी क्या है कि भारत में सबसे धनी के बिजनेसमैन है। अब देखते हैं आगे डिग्री किस प्रकार से चलती है। अब ये देखते हैं सभी बच्चे ध्यान से, पॉजिटिव डिग्री, दूसरे नंबर पर होती है कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे टॉल मिस लंबा, टॉलर मिस और लंबा, टॉलेस्ट मिस सबसे लंबा, बिग मिस बड़ा, बिगर मिस और बड़ा, बिगेस्ट मिस सबसे बड़ा, बैड मिस बुरा, वर्ज मिस और बुरा, वर्जस्ट मिस सबसे बुरा, ब्यूटीफुल मिस सुंदर, मोर ब्यूटीफुल और अधिक सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल बहुत अधिक सुंदर, पॉपुलर मिस लोकप्रिय, मोर पॉपुलर मिस और अधिक लोकप्रिय, मोस्ट पॉपुलर मिस सबसे अधिक लोकप्रिय, इंटेलिजेंट मिस बुद्धिमान, मोर इंटेलिजेंट मिस अधिक बुद्धिमान, मोस्ट ने सबसे अधिक बुद्धिमान। इस तरह से इसकी डिग्रियां चलती हैं। आगे देखते हैं कि सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दो वस्तुओं में तुलना। देखिए कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स और मैन, दो वस्तुओं और व्यक्तियों में तुलना। नंबर कंपेरेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाना। कैसे बनाते हैं? पॉजिटिव डिग्री में यदि वाक्य पॉजिटिव है तो सबसे पहले क्या लाएंगे, बाद वाला नाउन या बाद वाला सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू बी, इज आरम या वॉज या वर, फिर एज लगेगी, फिर पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, फिर एज लगाते हैं, फिर पहला नाउन या प्रोनाउन। पहले एज गर्थ लगता है इतना, दूसरे एज गर्थ लगता है जितना। यदि वाक्य पॉजिटिव होता है तो एज लगाते हैं, निगेटिव होता है तो सो एज लगाते हैं। देखिए कैसे, यदि वाक्य में नोट है तो नोट को हटा देते हैं, यदि वाक्य में नोट नहीं है तो नोट लगा देते हैं। जैसे देखिए, यू आर नोट रिचर देन आई, तो आई एम उल्टा हो जाएगा। देखिए बाद वाला प्रोनाउन लगाएंगे आई एम, एज रिचर एज यू, और जो पहले वाला प्रोनाउन सबसे बाद में चला जाएगा एज के बाद। सबसे पहले देखिए बाद वाला प्रोनाउन लगाएंगे, फिर वर्ब टू भी लगाएंगे, उसके बाद एज लगाएंगे, एज में होता है इतना, फिर रिचर एज यू, मैं इतना धनी हूं जितना जितने की तुम। यदि वाक्य निगेटिव होता है तब क्या करते हैं, यदि वाक्य निगेटिव होता है देखिए, बाद वाला नाम या प्रोनाउन, फिर वर्ब टू भी लगाएंगे जा रहे हैं वाज वन, फिर नोट लगाएंगे, फिर सो या सो लगाएंगे, सो मिस होता है इतना, फिर पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, फिर उसके बाद एज आएगा, इस एज गर्ड होता है जितना, फिर लगेगा पहला नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं। देखिए सी इज टॉलर देन हर मदर, तो हर मदर इज नॉट सो टॉल एज सी। देखिए यदि वाक्य में निगेटिव नहीं है तो निगेटिव लगाएंगे, वाक्य में निगेटिव है तो निगेटिव हटा देते हैं। आगे देखते हैं सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे।
देखिए बच्चों, हम देखते हैं कि कंपरेटिव से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। देखिए ही, जैसे ही इज एज डल एज एन आस, तो पहले शब्द लगाएंगे बाद वाला नाउन यानी एन आस, फिर लगाएंगे वर्ब टू बी इज आर एम, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे कंपरेटिव डिग्री, फिर लगाएंगे देन, फिर लगाएंगे पहला नाउन या प्रोनाउन। देखिए इसमें नॉट नहीं है तो इसमें नॉट लगेगा, यदि नॉट होता तो नॉट हटा देते। देखिए एन आस इज नॉट डलर देन ही। आगे देखिए, यदि वाक्य निगेटिव होता है तो उसको उसमें नॉट हटा देते हैं। देखिए सी इज नॉट सो यंग एज रीना, तो रीना इज यंगर कंपेरेटिव डिग्री आएगी, फिर आएगा देन आएगा, फिर आएगा सी यानी बाद वाला प्रोनाउन। आगे देखिए इंडिया इज नॉट सो रिच एज अमेरिका, भारत इतना धनी नहीं है जितना अमेरिका। तो यदि हम इसका कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे, देखिए तो बाद वाला नाउन आएगा, उसके बाद आएगा वर्ब टू बी इज, फिर आएगा रिचर कंपेरेटिव डिग्री, फिर देन, फिर इंडिया, दोनों का अर्थ एक ही है। देखिए कि अमेरिका भारत से धनी है। आगे देखिए ए डियर रन्स फास्टर देन ए डॉग, ए डॉग डज नॉट रन सो फास्ट एज ए डियर। देखिए उल्टा बन गया है, इसका जो कंपेरेटिव डिग्री बनेगी वो ऊपर वाली बनेगी, ए डियर रन्स फास्टर देन ए डॉग। आगे देखिए भाई, बच्चे ध्यान से समझेंगे। अब देखते हैं सही बच्चे, देखिए सही बच्चे, अब कंपैरिजन ऑफ टू मोर थिंग्स यानी दो से अधिक वस्तुओं और व्यक्तियों की तुलना किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले आपको टेबल याद रखनी होगी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यदि पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आता है तो कंपैरेटिव डिग्री में उसको क्या कर देते हैं, देन एनी अदर, सुपरलेटिव में क्या करते हैं, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। यदि पॉजिटिव डिग्री में वेरीफाइव आता है तो देन मोस्ट अदर कर देते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में कर दें वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। यदि सुपरलेटिव में वन ऑफ द आता है तो कंपैरेटिव में क्या कर देते हैं, देन मोस्ट अदर, और पॉजिटिव में क्या कर देते हैं, वेरी फ्यू। और यदि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आती है तो कंपैरेटिव में क्या कर देंगे उसका, देन एनी अदर लग जाएगा, तथा पॉजिटिव में क्या लग जाएगा, नो अदर। देखिए कैसे करते हैं, अब देखते हैं कि पॉजिटिव में डिग्री में हम किस प्रकार से चेंज कर रहे हैं, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। जैसे बॉम्बे इज द बेस्ट बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, तो सबसे पहले लगाएंगे नो अदर, देखिए फिर बाद वाला नाउन लगाएंगे, नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू भी लगाएंगे, फिर सो लगाएंगे, फिर पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, फिर एज लगाएंगे, फिर पहला नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं। इसमें भी शो पहले शो कर कितना लगेगा, दूसरे एज कर लगेगा जितना। जैसे नो अदर, नो अदर सी पोर्ट इन इंडिया, नो अदर सी पोर्ट इन इंडिया, ये बाद वाला पार्ट लगाएंगे पहले, फिर लगाएंगे वर्ब टू भी, फिर लगाएंगे शो, फिर लगाएंगे पॉजिटिव डिग्री गुड, फिर लगाएंगे एज, उसके बाद लगाएंगे पहले वाला नाउन यानी बॉम्बे। आगे देखिए और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपकी। शिवाजी वाज वन ऑफ द, शिवाजी वाज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। यदि वन ऑफ द आता सुपरलेटिव डिग्री में तो पॉजिटिव में क्या लगाएंगे, वेरी फ्यू, तो शुरू में वेरी फ्यू आ जाएगा, फिर बाद वाला पार्ट आ जाएगा यानी रूलर्स ऑफ इंडिया, ये आ जाएगा, उसके बाद वर्ब टू भी आ जाएगी जार में या वाज वन, फिर एज आ जाएगा, फिर पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी, फिर एज आ जाएगा, फिर पहला नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा। देखिए कैसे, वेरी फ्यू बाद वाला पार्ट लगाएंगे, इसके बाद रूलर्स ऑफ इंडिया, तो रूलर्स ऑफ इंडिया ये बहुवचन है तो क्या लग जाएगा, पर एज ब्रेव एज शिवाजी। आगे देखिए आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, यदि एनी अदर को क्या बदलते हैं, एनी अदर को हम
नवादर में बदल देते हैं। यदि कंपेरेटिव डिग्री में नवादर एनी अदर आता है तो क्या देन एनी अदर आता है तो क्या में बदल देंगे नो अदर, फिर बाद वाला नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब टू भी लगाएंगे, उसके बाद सो, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, उसके बाद एज लगाएंगे, उसके बाद पहला नाउन लगाते हैं। जैसे नो अदर मेटल, वर्ब टू भी, इसके बाद आएगा सो, इसके बाद आएगा यूजफुल, पॉजिटिव डिग्री, मोर यूजफुल की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, यूजफुल एज आयन। आगे देखते हैं और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, कपिल देव इज बेटर देन मोस्ट अदर प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। तो जो मोस्ट अदर आया, देखिए, तो मोस्ट अदर यदि आता है कंपेरेटिव डिग्री में, तो मोस्ट अदर आया है तो पॉजिटिव डिग्री में क्या लग जाएगा, वेरी फ्यू, तो वेरी फ्यू फिर बाद वाला पार्ट लग जाएगा, यानी प्लेयर्स द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, फिर वर्ब टू भी लगाएंगे, फिर एज लगाएंगे, फिर पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, फिर एज लगाएंगे, फिर पहला नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं। देखिए, वेरी फ्यू प्लेयर्स इन वर्ल्ड आर एज गुड एज कपिल देव। अब देखते हैं हम कंपेरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। ट्रांसफॉर्म इनटू कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री में परिवर्तन, कंपेरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। नेपोलियन वाज द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ हिज टाइम। तो ये जो पहला नाउन तो अपने स्थान पर रहेगा, फिर वर्ब टू भी लगाएंगे, देखें, फिर कंपेरेटिव डिग्री लगाएं, फिर देन एनी अदर लगा देते हैं, फिर बाद वाला पार्ट लगा देंगे, या बाद वाला पार्ट वहां का वहीं आ जाएगा जहां पे था। देखिए, यहाँ पे यहीं लग जाएगा, तो दा पर सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, देन एनी अदर में इसको बदल देते हैं। देखिए, नेपोलियन वाज ग्रेटर देन, पॉजिटिव डिग्री कंपेरेटिव डिग्री आ गई, फिर देन एनी अदर जर्नल ऑफ हिज टाइम। आगे देखिए, वन ऑफ द कहीं में बदल देंगे, वन ऑफ द को बदल देते हैं देन मोस्ट अदर में। देखिए, एस डी जे इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन इंडिया। तो पहला नाउन अपने स्थान पे रहेगा, इसमें नाउन नहीं चेंज होता, केवल नाउन कहीं में चेंज होता है यदि पॉजिटिव डिग्री है, तो बाद वाला नाउन पहले आ जाएगा और तो पहले वाला नाउन बाद में चला जाएगा। ये देखिए, नाउन फिर वर्ब टू भी आएगा, कंपेरेटिव डिग्री आएगा, फिर देन मोस्ट अदर आएगा, फिर बाद वाला पार्ट आता है। तो एस डी जे इज ओल्डर देन मोस्ट अदर कॉलेजेस इन इंडिया। आगे देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आपका। नो अदर सिटी इन यूपी इज सो गुड एज मेरठ। देखिए, यदि पॉजिटिव डिग्री है तो उसका कर देते हैं हम उल्टा, यानी पहला जो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले बाद वाला नाउन आएगा और जो पहले वाला नाउन है वो बाद में चला जाएगा। देखिए, बाद वाला नाउन, फिर वर्ब टू भी, फिर कंपेरेटिव डिग्री, फिर देन एनी अदर, फिर लगाएंगे पहला नाउन। तो मेरठ इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन यूपी। अब देखते हैं आगे, वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट। तो उसमें भी उल्टा हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, बाद वाला नाउन, वर्ब टू भी आएगा, फिर कंपेरेटिव डिग्री आएगा, फिर आएगा देन मोस्ट अदर, फिर आएगा पहला नाउन। देखिए, आगे देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आपका, सही बच्चों का। देखिए कैसे बनाएंगे हम, क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर गेम्स। अब देखते हैं आगे, आई हैव नेवर सीन सो फैट मैन एज ही। तो ये देखिए, थोड़ा अलग तरह का सेंटेंस है, तो इसको हम अलग रखेंगे, आई हैव नेवर सीन को हम अलग रखेंगे, पहले जो हमारा ये सेंटेंस है इसको हम चेंज कर देंगे, जो बाद वाला नाउन है पहले आएगा। देखिए, नाउन या प्रोनाउन, जो बाद वाला प्रोनाउन या नाउन होता है वो सबसे पहले आता है, फिर वर्ब टू भी आएगी, फिर कंपेरेटिव डिग्री आएगी, फिर देन एनी अदर आता है, फिर पहला नाउन या प्रोनाउन आता है वो दैट लगाकर, जो हमारा पहला जो वाक्य जो पहला पार्ट दे रखा है इन्होंने, आई हैव नेवर सीन, तो उसको हम बाद में जोड़ देते हैं। देखिए, वो नेवर का हो जाता है एवर। तो ही इज फैटर देन एनी अदर मैन दैट, तो दैट से आगे आई हैव नेवर कर देते हैं एवर सीन। अब देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री कैसे चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म इनटू सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में कैसे,
बनाते हैं। देखिए, नो अदर ड्रामाटिस्ट इन इंग्लिश इज सो ग्रेट एज शेक्सपियर। तो सबसे पहले, यदि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, तो सुपरलेटिव डिग्री में वाक्य का उल्टा हो जाता है। सबसे पहले लगाएंगे बाद वाला नाउन, इसके बाद वर्ब टू भी लगाएंगे, फिर सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे, फिर पहला पार्ट लगाएंगे या पहला नाउन। देखिए, शेक्सपियर इज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट इन इंग्लिश। यदि वेरी फ्यू आता है तो क्या लगाएंगे, वन ऑफ द। तो वेरी फ्यू सिंगर्स वर एज गुड एज मुकेश कुमार। देखिए कैसे बनाते हैं इसको, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो फिर बाद वाला नाउन, फिर वर्ब टू भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा, सुपरलेटिव डिग्री, वर्ब टू भी की बात क्या आएगा, वन ऑफ द, फिर सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, थोड़ा इसको ध्यान से समझिए, स्ट्रक्चर थोड़ा यहाँ पे इसमें थोड़ा छोटा हुआ है। तो पहले वन ऑफ द आएगा, फिर आएगा सुपरलेटिव डिग्री, फिर पहला नाउन आएगा। जैसे मुकेश कुमार वाज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, टाइगर इज स्ट्रोंगर देन एनी अदर एनिमल, यदि कंपेरेटिव डिग्री है तो ऐसे ऐसे रखते हैं हम, उसको नहीं बदलते। यानी जो पहला नाउन होता है, जो बाद वाला नाउन होता है पहले नहीं आता, जो पहला नाउन होता है बाद में नहीं जाता। जैसे देखिए, नाउन, ये नाउन यहाँ पे ही रहेगा, वर्ब टू भी आ जाएगा, फिर सुपरलेटिव डिग्री आएगा, फिर बाद वाला नाउन आता है। किस प्रकार से बदलते हैं, टाइगर इज द स्ट्रोंगेस्ट एनिमल, देखे अंत में, देखे आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटिफुल बिल्डिंग एज द ताजमहल। तो इसको हम अलग रखेंगे, इस पार्ट को पहले हम इसको बदलेंगे। देखिए, ताजमहल शुरू में आ जाएगा, बाद वाला नाउन, वर्ब टू भी सुपरलेटिव डिग्री, पहला नाउन प्लस डेट और प्लस पहला पार्ट, यानी नेवर का हो जाएगा एवर। द ताजमहल इज मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन। अब देखते हैं आगे, नो अदर रिवर इन इंडिया इज सो लॉन्ग एज गंगा। देखिए, जो पहला नाउन आएगा शुरू में द गंगा, बाद वाला नाउन आएगा पहले, फिर वर्ब टू भी आएगी, फिर क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री, द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ये बाद वाला पार्ट, ये पहले वाला पार्ट बाद में आता है। तो बच्चे इसको बार बार अध्ययन करेंगे, इससे आपका चेहरा तैयार हो सके। एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।